सर हमेशा बदलते रहते हैं। नहीं नहीं अभी वर्तमान में कौन है सर, वर्तमान कलेक्टर कौन है? बघेल जी। अच्छा निर्देशित नहीं मिला है। हम आपके आला अधिकारियों से जब सवाल करते हैं, कुछ कड़वे सवाल करते हैं, तो उन बोलते हैं कि नहीं हम अचार पापड़ हर चीज व्यवस्था करा रहे हैं, शनिवार को पूरी भी व्यवस्था करा रहे हैं, क्या बात है? नहीं है। अच्छा और सर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, मेरी नजर इधर कुछ पड़ी हुई थी, ये जो चार्ट बना हुआ है सर, अभी कलेक्टर कौन है सर बलरामपुर जिले में? वो तो बदल गए। नहीं कौन है अभी, कौन है, कौन है, वही चीज पूछ रहा हूँ। दयाल जी कौन है सर कलेक्टर बलरामपुर जिले के? सर हमेशा बदलते रहते हैं। नहीं नहीं अभी वर्तमान में कौन है सर, वर्तमान कलेक्टर कौन है? बघेल जी। अच्छा अच्छा बघेल जी बलरामपुर जिले के कलेक्टर है सर, भूल रहे हैं? अच्छा नहीं पता है। तो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो है श्री कुंदन कुमार आईएएस कलेक्टर, और साथ में मोबाइल नंबर भी 9692625077 लिखा हुआ है, और श्रीमती रीता यादव जो है जिला सीओ, इनका भी मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, वेद प्रकाश पांडे जनपद सीओ है, इनका भी लिखा हुआ है। लेकिन ये जो तस्वीरें देख के आप समझ ही सकते हैं कि जब यहाँ के शिक्षक ही यहाँ का कलेक्टर का नाम नहीं बता पाएंगे तो बच्चे कहाँ से बताएंगे। और ये तस्वीरें बड़ी लाजमी होगा कि आज भी बलरामपुर जिले में जो कलेक्टर है कुंदन कुमार, ये कब के इस जिले से चले गए हैं, श्रीमती रीता यादव कब के चले गए हैं, वेद प्रकाश पांडे कब के चले गए हैं, लेकिन आज भी स्कूलों में सुधार नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसे शिक्षकों पे कब कार्रवाई होगी, या फिर इनको कहीं और पदस्थ किया जाएगा, या फिर गांव की रवैया से आज भी स्कूलों की चरम सीमा आदिवासी बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते नजर आएंगे। सर ये बताइए कलेक्टर का नाम कौन बघेल है सर, उनका पूरा नाम बताइए। बोल रहे हैं नहीं आ रहा। अच्छा तो सर गृह मंत्री का नाम पड़ेगा साहू। चलिए धन्यवाद सर। तो कलेक्टर का नाम ही नहीं है सर, अभी मालूम तो है सर, लेकिन आ नहीं रहा। अच्छा आ नहीं रहा है, मतलब भूल गए हैं। अभी 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 नहीं आ रहा कलेक्टर महोदय, भूल गए हैं आपके आपके जो टीचर हैं, भूल गए हैं नाम आपका, ठीक ना? बघेल बघेल क्या बघेल क्या क्या बघेल अगर आप लिख दीजिए तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये है। अरे मैं लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा नाम तो बता देंगे। ये गजब की कहानी हो गई, ये गजब की कहानी हो गई, गजब की कहानी हो गई। बच्चे जैसे करते हैं जो पहली कक्षा के बच्चे, कि पिताजी आप हमें कॉपी में लिख के बताइए कि मेरा नाम क्या है, उसी प्रकार ये टीचर हैं कि आप ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे नाम तो मैं पढ़ के बता दूंगा। गजब का दुनिया है, गजब की, यही है शिक्षा व्यवस्था। मंत्री जी लगातार देखते रहिए टीपी न्यूज, विजय लाल मरकाम बलरामपुर।